दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आपको एक म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला पीसी बिल्ड करना है तो आपको किस कंपोनेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और क्या आपको इग्नोर करना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो म्यूज़िक प्रोडक्शन पीसी चाहिए रहता है पर बना देते हैं गेमिंग पीसी। तो दोस्तों म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही एक वैसी वो फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत यहाँ पे एक अच्छी हॉर्स पावर भी चाहिए रहती है। अगर आपकी जो भी मशीन है उसकी पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए जो ऑडियो है उसमें प्रोसेसिंग करते वक्त या जो भी डिज़ाइनिंग है ऑडियो डिज़ाइनिंग वो करते वक्त कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो भी लोग काम करते हैं उनके पास ज़्यादातर कौन से सिस्टम होते हैं एप्पल के मैकबुक सिस्टम होते हैं। अगर लैपटॉप है या उनके पास मैक का डेस्कटॉप पीसी होते हैं तो ये सब प्री बिल्ड्स होते हैं और मोस्टली होते हैं, विंडोज़ मशीन नहीं होती है उनके पास, नॉर्मली होती है एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन। तो जो मैक होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और यहाँ पे काफ़ी उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए जो भी लोग हैं ऑडियो में या साउंड डिज़ाइनिंग में या साउंड इंजीनियरिंग में या म्यूज़िक प्रोडक्शन में वो यहाँ पे ज़्यादातर मैक्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि पहली बात सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे हैं जो मैक्स में ज़्यादा अच्छे रन करते हैं और पहली बात काफ़ी आपको लाइट वेट रहता है और उसमें जो आपको पावर मिलती है वो यहाँ पे विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अब तो M1 चिप वाले आ चुके हैं मैकबुक्स, तो वो यहाँ पे और ज़्यादा जो म्यूज़िक प्रोडक्शन में है वो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे और यहाँ पे परचेज़ भी उनकी ज़्यादा होगी M1 चिप को लेके। तो अगर आपको चाहिए सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला पीसी तो उसके स्पेक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं एकदम डेडिकेटेड स्पेक्स नहीं बनाने वाला या बताने वाला, लेकिन अगर आपको एक डेडिकेटेड पीसी चाहिए जिसमें हर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अंडर स्पेसिफिक बजट, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, एक कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला बिल्ड हो। लेकिन इसमें मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ कि कैसे कंपोनेंट्स होने चाहिए, किस कंपोनेंट्स में आपको ध्यान देना है, बजट कैसे प्लान करना है थोड़ा बहुत, और बाकी यहाँ पे कैसी चीज़ें होनी चाहिए एक म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले पीसी बिल्ड में। यहाँ पे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गेमिंग नहीं करनी और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है उसमें कोई भी ग्राफिकल इंटेंसिव वर्क नहीं होते हैं। तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आपको बहुत कम से कम खर्चा करोगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड सही बोलूँ तो ज़रूरत है ही नहीं एक म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले पीसी में। फिर भी होना अच्छी बात है, थोड़ा सा एक ऑप्टिमम कार्ड होना चाहिए जो कि एक ऐसा होना चाहिए कि ग्राफिकल कुछ नीड्स हो फ्यूचर में तो वो संभाल ले। एकदम ऐसा नहीं कि आप GT 710 लगा दो, वैसे एंट्री में चलेगा अगर आपके पास बजट नहीं, लेकिन जो सही कार्ड है एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए वो GT 1030 है, या आप यूज़ 1050 Ti लगा सकते हो, वो भी ओवरकिल हो जाएगा जो सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए है। और यहाँ पर अगर लेटेस्ट कार्ड की बात करें तो अगर 1650 सुपर है वो भी एक तरीके से ओवरकिल कार्ड हो जाता है एक म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले पीसी के लिए। तो अब ये जो पीसी होते हैं इनमें आपको चाहिए रहती है CPU की हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है या ऑडियो वाले काम होते हैं, जब भी अगर आपने किया हो या अगर आप करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर आप ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करते हो तो वो रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आपका CPU 4 कोर 4 थ्रेड है तो उस पर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि ऑडियो का ऐसी चीज़ है कि आपकी जो कोर्स ज़्यादा होने चाहिए 8 कोर्स हो तो बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ रहेगा, और प्रोफेशनल हो तो 8 तो चाहिए 8 12, बहुत ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ CPU की पावर चाहिए। GPU की पावर यहाँ पे ना लोगे तो भी आराम से यहाँ पे काम बनने वाला है आपके पास, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में काम रहेगा तो आप एक ले सकते हो हल्का ग्राफिक कार्ड 1050 Ti। GT 1030 भी मोर देन इनफ है सच बोलूँ अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम है। तो CPU की हॉर्स पावर होनी चाहिए बहुत कमाल, आप जा सकते हो i5 i7 और जो नॉन एफ होते हैं उनके साथ भी जा सकते हो। नॉन एफ हो गया जैसे जो इंटीग्रेटेड GPU के साथ में आते हैं, तो आपकी म्यूज़िक प्रोडक्शन PC में होना चाहिए जो CPU पावर है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। 3080 भी लगा दोगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ बढ़ने नहीं वाली, और GT 1030 रखोगे तो भी यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ग्राफिक का कुछ काम है ही नहीं, आपका मेन काम यहाँ पे CPU से ही सब होने वाला है। तो CPU मजबूत जितना रहेगा उतना आपका म्यूज़िक प्रोडक्शन स्मूथ रहेगी और बहुत ही बेटर वे में फ्लो में आपको यहाँ पे मज़ा आएगा काम करते वक्त। अब बात करें म्यूज़िक फाइल्स है, तो फाइल्स नाम सुनते ही NVMe SSD होना मस्ट। अगर आप एक अच्छा CPU ले लेते हो और फिर भी आप हार्ड डिस्क लगाते हो तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं बनने वाला, आपको कोई भी लैग होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो आप हार्ड डिस्क लगाओ ही मत, NVMe SSD 1 TB की या 500 GB की भी इनफ है।
हार्ड डिस्क आप बैकअप के लिए लगा सकते हो, लेकिन जो मेन फाइल्स जो भी आपका वर्क है वो यहाँ पे सिर्फ SSD में होगा, और विंडोज़ भी SSD में रहेगी, फाइल्स भी SSD में रहेगी, लेकिन जो आउटपुट है वो आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो। बजट की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा बजट जो स्पेंड करना है वो यहाँ पे होना चाहिए CPU में, और डिसेंट मदरबोर्ड। ऐसा नहीं आपको अल्ट्रा लो प्रोफाइल मदरबोर्ड में जाना है, आपको बहुत ही एक्सपेंसिव जिसमें बहुत ही कमाल के VRM हो उसमें भी नहीं जाना है, लेकिन एक डिसेंट मदरबोर्ड आपको लेना है, जो कि अब सब CPU के लिए अलग होते हैं, तो ये कोई एक स्पेसिफिक बिल्ड नहीं है लेकिन एक सजेशन है। तो एकदम एक्सपेंसिव वर्ल्ड का एक्सपेंसिव मदरबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, एक डिसेंट अच्छा मदरबोर्ड अकॉर्डिंग टू द CPU जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से आप पेयर कर सकते हो। तो ग्राफिक कार्ड में बहुत पैसा सेव करो, उसको डालो NVMe लगाओ, अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट रख सकते हो, मदरबोर्ड में ऐड कर सकते हो, स्टोरेज में ऐड करोगे काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहने वाला है, या बाकी आप एक्सेसरीज़ में यूज़ कर सकते हो जो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले काम में आते हैं। ये तो था म्यूज़िक प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने पूछा था, अगर आपको एक डेडिकेटेड बिल्ड चाहिए जैसा कि 70,000 म्यूज़िक प्रोडक्शन PC बिल्ड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं यहाँ पे वो वाला बिल्ड है वो भी यहाँ पे मैं बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो अगर चाहिए तो हाँ बोलो, और नहीं चाहिए तो कुछ मत बोलो, और वीडियो कैसी लगी वो बताओ, और इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, जिनको एक म्यूज़िक प्रोडक्शन टाइप वाला PC चाहिए तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी कुछ कंपोनेंट्स है जैसा कि मैंने बताया, इंटेल का i7 हो गया या Ryzen, उन सब के जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ NVMe SSDs के भी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा SSD लेना है। अच्छी वाली मैं डाल देता हूँ जो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और जैसा कि ग्राफिक कार्ड तो आप लेने वाले, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा SSD में करो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, और CPU में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हॉर्स पावर CPU की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा रहेगा तभी आपका वर्क फ्लो बहुत ही स्मूथ रहेगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ देखना है और भी PC रिलेटेड कॉन्टेंट देखना है और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है, तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।